कोरोना महामारी में व्याप्त समस्याओं और दवा की कालाबाजारी को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस महामारी में सभी के बिजली बिल माफ करने की मांग भी की। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुधवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने विधायक संजय शुक्ला, दीपालपुर विधायक विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल की मौजूदगी में एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश भर की मीडिया शामिल हुई। कोरोना महामारी के दौरान हुई घटनाओं और काला बाजारी को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। वहीं भाजपा नेताओं के साथ ही उन्होंने सरकार से 10 सवाल भी मीडिया के माध्यम से किए। साथ ही इस महामारी की घड़ी में जनता को राहत देने के लिए बिजली के बिल माफ करने की मांग भी की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए ऑनलाइन प्रेस वार्ता की है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाना चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। जिन लोगों की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत हुई है, सरकार उनके परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा दे। मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, पालन हो कोविड के सारे नियमों का, और बाकी भी सब सृष्टि चलनी है। ये पार्ट तो देश की आज की सरकार कहती है, विपक्ष भी कहता है, सारे आप और हम आम जनता भी कहती है। तो मैं मानता हूँ कि कोविड के नियमों को नहीं तोड़े और कोई काम तो चलाना पड़ेगा। मैंने आपको अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर में चिन्हित किया गया है, ऐसे पूरे प्रदेश में किए गए। तो ऐसे में सरकार को एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में पहले तो एक कमेटी बनानी चाहिए, उस आधार पर जो दोषी हो उस पर जो सजा मिल बनती है वो करना चाहिए। वो लोग जो नकली रेमडेसिविर से मर गए उनको सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा दे, ये हमारी मांग। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं कालाबाजारी में, मौत पर पैसा कमाने में, मौत का सौदा करने में, वो ज़्यादातर बीजेपी के क्यों होते हैं? वो चाहे रतलाम का केस देख लो, जबलपुर का देख लो, चाहे उज्जैन का मंत्री का वो देख लो, या और कहीं देख लो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, चाल चेहरा और चरित्र। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक इस महामारी की घड़ी में सरकार को सभी के बिजली बिल माफ करना चाहिए। इस पेंडेमिक में व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, दुकान बंद है, लोग घर में हैं, बिजली का बिल भरना है। सरकार को याद रहना चाहिए कि ऐसे पेंडेमिक में हम सहयोग करें, सारे बिजली के बिल सरकार माफ करे। दूसरा, आज 100 रुपया पेट्रोल भोपाल में हो गया, क्या ये नियत है शिवराज सिंह जी की कि इधर मौत की चेन बना दी और इधर लूट की चेन बना दी? तो मौत और लूट की चेन वाले शिवराज जी, कृपा करो इस जनता। बहरहाल देखा जाए तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस महामारी की घड़ी में जनता को राहत देने के लिए बिजली का बिल माफ करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।